प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, पेशेंट एनबीएम होना चाहिए, और सपोज इमरजेंसी केसेस में करते हैं तो एनबीएम नहीं होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट पेशेंट को 3 से 4 लीटर जैसा पानी पिला देना, कभी कभी इतना नहीं पी सकते हैं तो 1-2 लीटर भी चलता है, बट मैक्सिमम पानी जितना पिएगा उतना उसका यूरेटर डायलेट होगा और आपको केयूबी में जो हमारा काउड एमपीआर प्रिपेयर करते हैं उसमें आपको ईजी रहेगा। ओके, और पेशेंट को इसका पोजिशन है फीट फर्स्ट, ठीक है, पेशेंट को मैक्सिमम यूरिन जब लगता है, वॉशरूम जब जाना है तभी आपको स्कैन लेना है, क्योंकि वो टाइम पे यूरेटर सबसे ज़्यादा डायलेट रहता है और आपको स्कैन में जो आपका पोस्ट प्रोसेस रहता है उसमें आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से पेशेंट का डेटा फिल कर दिया, एज यहाँ से ऑर्गन सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गन यहाँ पे एब्डोमेन, यहाँ पे मैंने प्रोटोकॉल रखा है, एब्डोमेन सिलेक्ट किया, बहुत ही ईजी है। पेशेंट को ब्रेथ होल करना है, ओके, ब्रेथ होल नहीं करता है तो उसमें क्या स्ट्रिक आर्टिफैक्ट्स आते हैं, मतलब हिल जाता है, फिर वो एमपीआर में सही से दिखता नहीं है। सो बहुत ही ईजी है, स्कैन लेना बहुत ईजी है, थोड़ा पोस्ट प्रोसेस जो करते हैं हमारा कवर्ड एमपीआर उसमें थोड़ा आपको फिर देखना पड़ेगा कैसे करना है, बाकी तो बहुत ईजी है। वेट अंटिल द स्कैन लाइट्स, यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है, यहाँ पर स्कैनर आएगा, जैसे एब्डोमेन करते हैं वैसा ही करना है, बट मैं आपको स्कैनोग्राम पे कैसे प्लान करते हैं वो आपको शो कर देता हूँ। ओके, इसको जूम कर दो, आपको इसमें देखना क्या होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायफ्राम से लेकर पूरा आपने प्रोस्टेट तक ले लिया, प्रोस्टेट तो कवर करना ही है, बट आपको क्या देखना है इसमें, ये जो D12 वर्टिब्रा जो रहता है ना, ये लास्ट रिब जो रहती है वहाँ से किडनी स्टार्ट होता है, तो आपको ये जो लास्ट रिब जो आएगा वहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना होगा, पूरा मत कवर करना नहीं तो फिर आपको डांट पड़ेगी कि कितना ज़्यादा स्कैन मार रहे हो। ओके, तो आपको लेना होगा यहाँ से D12 वर्टिब्रा से, यहाँ पर लास्ट रिब है, ये D12 वर्टिब्रा मेरे को पता है कि लास्ट रिब यहाँ से दिख रही है, तो वहाँ से लेके आपको पूरा प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ले लेना, तो यहाँ पर प्रोस्टेट एंड हो जाएगा, ठीक है, इतना ही कवर करना है, पूरा डायफ्राम से पूरा एब्डोमेन लीवर वगैरह कवर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे D12 वर्टिब्रा से यहाँ से किडनी स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ से इतना कवर करना है, यहाँ पे प्रोस्टेट कवर हो जाएगा। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन सही से देख लेना कि सांस सही से रोकना, 1 mm थिकनेस, 100 kV, 150 mA, स्कैन टाइम है 21 seconds। ओके, यहाँ से हम कंफर्म करते हैं। ओके, 5 मिनट का भी स्कैन नहीं है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। वेट अंटिल द स्कैन स्टार्ट की लाइट्स, 2 बार क्लिक करना है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैन आया, देखो है ना सही से आ गया, मल्टीपल स्टोन है, यूरेटर में भी स्टोन है, अभी एक बार आपको देख लेना है, फिर आपको रिकॉन करना होगा 3 सेक्शंस। देखिए अभी आप पूरा हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यहाँ पे ये लेफ्ट यूरेटर दिख रहा है, ये लेफ्ट डायलेट नहीं हुआ है, राइट देखो यहाँ पे स्टोन है, इसके बाद तो मतलब यूरेटर दिख ही नहीं रहा है, अभी जब वो हमारा काउड एमपीआर करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगा, बट ऐसा नहीं है, अभी उसको पोस्ट प्रोसेस करेंगे तब देखना पड़ेगा, बट उसको इतना बड़ा स्टोन है, PUJ में है स्टोन, तो इतना फिर वहाँ पे तो फिर कैसे इतना डायलेट होगा, ठीक है ना, ऑलरेडी वो ब्लॉक ही है। तो ये होने के बाद आपको यहाँ से इमेजेस देख लेना होगा कि सही से आया है कि नहीं पूरा, ओके, 1 by 1 ऐसे देख लेना आप, ओके, ये पूरा कंफर्म करने के बाद ही फिर आपको स्कैन को आउट करना होगा। मैं रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ, यहाँ से रॉ डेटा में जाते हैं। ओके, ये पेशेंट का सीरीज सेकंड फर्स्ट स्कैन है, सेकंड सीरीज है, ओके किया,
यहाँ से टीक आउट कर देना, मस्कॉट में नहीं होगा, टीक आउट 1 mm थिकनेस स्पेस 0.5 टीक है। यहाँ पे मेन में आपको देखना है बॉडी, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ले लेना, ओके कर देना, डिटेल्स देख लेना, FC बूस्ट, और यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन पे क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 799 इमेजेस जनरेट हो रहे हैं, ओके। अभी यहाँ से हम डायरेक्टरी में फिल्मर में जाके देख लेते हैं इमेजेस सही से हिला तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे डायलेटर, फिर यह स्टोन आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ इसके बाद यूरेटर दिख रहा है, बहुत छोटा है, अभी उसको ट्रेस करना पड़ेगा काउड MPR में, थोड़ा ये मेहनत वाला काम है, चल जाएगा। मतलब थोड़ा मेन तो यही देखना है कि इसको स्टोन कहाँ पे है, इतना ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है। ये लेफ्ट वाला भी किडनी छोटा सा है, यहाँ पे यूरेटर ये वाला है टाइनी, इसको ट्रेस करके करके नीचे जाएंगे, हो जाएगा होता काउड MPR में। पानी थोड़ा अच्छे से पिएगा ना तो फिर वो दिक्कत नहीं आता है वैसे तो। इसको मैं ऐसे ही काउड MPR में तो नहीं ले रहा हूँ, एक बार MPR में डाल के देख लेता हूँ, तो हिला तो नहीं है ना, क्योंकि जब इसका प्रोसेस करेगा ना तब देखो, वैसे ये सब मार्जिन बराबर है, इसका मतलब ये है कि हिला नहीं है। अब ये रिकॉर्ड नहीं है, इसके लिए ऐसा इमेज दिख रहा है, काउड MPR के लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, वो ईजिली जिसमें दिख जाएगा वो आपके लिए फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो स्टोन के हिसाब से यूरेटर डायलेटेड नहीं है ज़्यादा, वैसे भी नहीं दिख रहा है वो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का CT KUB, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया है।